हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। आज की वीडियो में एक बुक के बारे में आपसे रिव्यू करूंगा मैं। ये बुक है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये बुक मुझे लगता है शायद हर एक इंडियन को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये फादर ऑफ नेशन है, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में डेप्थ में मालूम पड़ेगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते, होंगी शायद थोड़ी लेंदी है ये बुक, और जो बुक रीडिंग नहीं करते हैं, ये 400 प्लस पेजेस की बुक है, तो थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को एंड तक सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम पड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें उसके चाइल्डहुड का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो अगर हम देखें गांधी जी की पर्सनैलिटी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रुथ और ऑनेस्टी, सेकेंड ये फास्टिंग काफी करते थे। तो अब ये दोनों चीजें कहां से आई इनके करेक्टर में? तो इनके जो फादर थे, फादर इनके बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे। इनके फादर ने एक बार कंप्लेन की थी एक पावरफुल इंसान के खिलाफ में, वो तो इस इंसान ने कुछ गलत किया था, ठीक है, जबकि इनके फादर एक बहुत ही एवरेज फैमिली को बिलोंग करते थे और दीवान थे। तो उन्होंने कंप्लेन करी क्योंकि एक बड़े पावरफुल इंसान ने कुछ करप्ट प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा इनके फादर को। लेकिन इनके फादर झुके नहीं, इनके फादर ने बोला कि मैं सच का साथ देता हूँ, मैं सच का साथ ही दूंगा। तो इस इंसिडेंट ने गांधी जी को बहुत इंस्पायर करा। इनके फादर की जो ऑनेस्टी थी, इनके फादर के अंदर जो ट्रुथफुलनेस थी, वो गांधी जी को इंस्पायर कर गई। तो वो चीज़ें इन्होंने अपने फादर से ली। मदर इनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में रिलीजियस थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, फास्टिंग बहुत ज़्यादा करती थी। दो दो दिन, तीन तीन दिन फास्ट रखना इनकी मदर के लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी। और कई बार तो ये जब तक सूरज देख नहीं लेती थी, जब तक सन को नहीं देख लेती थी, ये अपना फास्ट को ब्रेक नहीं करती थी। तो बहुत बार ऐसा भी होता था जब सन नहीं निकला तो उनकी मदर कहती थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज सूरज नहीं निकला। तो ये जो फास्टिंग की जो हैबिट है वो इन्होंने अपनी मदर को देख के इम्बाइब करी अपनी पर्सनैलिटी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके फादर मदर ने इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। फिर बचपन में काफ़ी शाये थे, और मैं बोलूँगा इंट्रोवर्ट भी थे, पढ़ने में एवरेज थे। और ये उस टाइम पे जब ये छोटे थे बचपन में, तो टीनेज के मतलब 10-12 साल के टीनेज के टाइम पे तक ये पब्लिक स्पीकिंग से काफ़ी ज़्यादा ये इनको एंग्जाइटी होती थी। पब्लिकली ये इतना बोल नहीं पाते थे, ठीक है, जो उनकी बात होती थी उसको लिख के देते थे। तो ये इनके इनिशियल ईयर्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर शादी इनकी बहुत जल्दी हो गई थी, 12-13 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी। शादी से इनको बाद में जैसे कि आगे आप विद टाइम इनको 4 लड़के हुए थे, लड़कों के बारे में थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर मैं बताता हूँ जैसे जैसे कहानी आगे जाती है इनकी बायोग्राफी की, तो ये जाते हैं फिर पढ़ाई करने लंदन। इनका एक भाई ऑलरेडी लॉयर होता है, तो इनको फिर लॉ की प्रैक्टिस के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए इनको लंदन भेजा जाता है। लंदन में इनके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। अब लंदन जाने से पहले क्या है, जैसे बुक में दिया है, जब ये इंडिया में थे, लंदन जाने से पहले इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए, मीट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, बट मीट इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने मीट को कम्प्लीटली हटा दिया। इन्होंने कहा मीट की ज़रूरत नहीं है, और मेरी स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए मीट जो है वो हार्मफुल है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और जब ये लंदन गए तो उन्होंने वहाँ जाके देखा। अब देखो क्या होता है, जब लंदन जाते हैं तो इनकी जो पहले इनकी जो मदर होती है ना, वो काफ़ी रोकती है इनको कि आप वहाँ लंदन मत जाओ। तो लेकिन अपनी मम्मी को एक वो देके जाते हैं, एक शपथ मतलब एक व्रत लेके जाते हैं कि मैं लंदन जाके मीट, अल्कोहल और विमेन, इन तीनों चीज़ों से दूर रहूँगा। और ऐसा होता भी है, ऐसे ही जैसे इनको जिन्होंने व्रत लिया था ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट रहते हैं उस व्रत की तरफ। लंदन जाते हैं, वहाँ पे जाके एक बुक पढ़ते हैं वेजिटेरियन डाइट के ऊपर, तो वेजिटेरियन डाइट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इस तरह की सोसाइटी में इन्वॉल्व होने लगते हैं जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं। बहुत बार अगर इनको लगता था कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिला या इनको पसंद का खाना नहीं मिला तो ये भूखे पेट भी सो जाते थे, ठीक है। तो ये था इनका डाइट की साइड से। फिर वहाँ जाके इन्होंने कुछ टाइम के लिए उस कल्चर में अडॉप्ट होने के लिए कुछ डांस क्लासेस या कुछ गिटार टाइप की क्लासेस लगाई, लेकिन बाद में उन्होंने उन क्लासेस को छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मेरी जो पहचान है वो इन चीज़ों से नहीं होनी चाहिए, मेरी पहचान मेरी नॉलेज की वजह से और मेरी जो पढ़ाई है, जो मैं एजुकेशन लेने आया हूँ, उसकी वजह से होनी चाहिए। तो फिर बाद में जाके उस चीज़ को छोड़ देते हैं, डांस क्लासेस वगैरह को। अब वहाँ पढ़ाई करते हैं, बीच में 3-4 साल वहाँ रहे, ऑब्जर्व किया इन्होंने वेस्टर्न पीपल को, उनके कल्चर को, लेकिन उन्होंने अपना व्रत पूरा
रखा वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बावजूद भी वो जो भी इन्होंने अपनी मदर को व्रत दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्कोहल मीट वुमेन, इन तीनों चीज़ों से दूर रहे। फिर ये वापस इंडिया आते हैं, लॉ पूरी हो जाती है, इंडिया में बॉम्बे वगैरह चले जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पर इनको प्रैक्टिस में सफलता इनिशियली नहीं मिलती है। बाद में तो ये बहुत फेमस हो जाते हैं लेकिन इनिशियली नहीं मिलती इनको, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कितने ज़्यादा ऑनेस्ट थे, कितने ज़्यादा ट्रू थे। एक इंसिडेंट मैं आपके इनके लॉ का बताता हूँ। लॉ में एक बार एक केस लड़ रहे थे और इन्होंने बोल रखा था कि अगर आप गलत हैं तो मेरे पास अपना केस लेके मत आए, अगर आप सच्चे हैं तो ही मेरे पास अपना केस लेके आए। तो एक इंसान आता है, वो शुरू में तो उनको बोलता है कि वो सही है, लेकिन बाद में जब ये केस लड़ रहे होते हैं, केस लड़ते लड़ते इनको मालूम पड़ जाता है कि वो इंसान करप्ट है। तो जज को बोल देते हैं कि भले ही ये मेरी साइड से है लेकिन मुझे मालूम पड़ गया करप्ट है, आप उसको सजा दे दो। तो इतने ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट और इतने ज़्यादा ट्रुथ जो होता है, सच्चाई के ये बिल्कुल एकदम मतलब वो थे, फैन थे, तो इतने ज़्यादा सच्चाई को सपोर्ट करते थे। फिर ये इंडिया में रहते हैं, जैसे मैंने बोला इंडिया में उस टाइम पर इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चलती, तो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका में इनके अंदर चेंजेस आते हैं, साउथ अफ्रीका में ह्यूमिलेशन होता है इनके साथ, इनको फिजिकल ह्यूमिलेशन भी होता है। मतलब एक जगह जा रहे होते हैं तो एक अंग्रेज होता है वो उन पर फिजिकली वॉयलेंट हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल वॉयलेंस होता है इनके साथ और इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है, फर्स्ट क्लास एसी में, मतलब फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ अंग्रेज होते हैं तो अंग्रेज इनको उतार देते हैं कि यहाँ पे आप लोग नहीं बैठोगे, आप इंडियन हो। तो वहाँ से इनको लगता है कि यार, शुरू में इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, अभी तक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इनके साथ ये ह्यूमिलेशन हो जाता है तो उनको लगता है कि यार मुझे पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। फिर ये इंडियंस के राइट्स के लिए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए फिर ये वहाँ पे अपनी एक कांग्रेस बनाते हैं, इंडियन नेटल कांग्रेस बोलते हैं उसको। इंडियन नेटल कांग्रेस बनी भी इसलिए थी क्योंकि वो जो नेटल जगह है वो साउथ अफ्रीका में ही थी। फिर ये 21 साल वहाँ रह के इंडियन मासेस को, इंडियन के राइट्स के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं गांधी जी की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। जो एक इंसान शाये और इंट्रोवर्ट और जो पब्लिक स्पीकिंग से इनिशियली जो एंक्शियस रहता था, वहाँ जाके बिल्कुल एकदम निडर, बहादुर, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान और एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया लीडर के फॉर्म में देती है, देखती है, उसकी फॉर्मेशन साउथ अफ्रीका में होती है। तो 21 साल वहाँ रहते हैं, फिर ये वापस आते हैं इंडिया। तो और इंडिया में आने के बाद तो फिर आप जानते ही हैं कितने बड़े लीडर बन गए थे। स्टार्टिंग में फिर ये गोपाल कृष्ण गोखले के गाइडेंस में रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना एक वो मानते थे कि पॉलिटिकल वो मेरे टीचर हैं, पॉलिटिक्स में वहीं से उन्होंने सीखा है, पॉलिटिकल गाइडेंस थी गोपाल कृष्ण गोखले से। फिर लाइफ में आपको बताऊं, इन्होंने हेल्थ के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, डाइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये कहते थे कि अगर डाइट आपकी ठीक नहीं है तो आपके थॉट्स ठीक नहीं होंगे, अगर आपके थॉट्स ठीक नहीं है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं हो सकती और आप स्पिरिचुअल जो अटेनमेंट चाहते हैं लाइफ में, जो स्पिरिचुअल हाइट चाहते हैं, वो नहीं चाह पाओगे। तो ये मीट, एग्स, इनफैक्ट एक टाइम पर दूध को भी छोड़ देते हैं क्योंकि इनको लगता है जो दूध है उसमें भी कुछ ना कुछ वॉयलेंस इन्वॉल्व है। अब इसका भी एक किस्सा बताता हूँ, इनकी विल पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बार क्या होता है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब डेथ बेड पे आ जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि आप एग्स मीट खा लीजिए, तो ये कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए जान चली जाए। फिर लोग समझाते हैं कि आप दूध तो पी लीजिए, दूध तो पी आप सकते हो, दूध पीने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये कहते हैं मैं दूध भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे लगता है दूध में ही वॉयलेंस है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर इनको फाइनली ये समझाया जाता है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर कंट्री आगे कैसे जाएगा, आप ही तो लीडर हो, आप ही को तो दुनिया फॉलो करती है, तो हम सत्याग्रह की लड़ाई को, ट्रुथ की लड़ाई को आगे लेके कैसे जाएंगे। तब ये बहुत ज़्यादा जिद करने पे लोगों की, तब ये मानते हैं कि गोट का मिल्क मैं पी लेता हूँ। तो फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा इनके अंदर विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी इनकी। लियो टॉलस्टॉय से और एक इंसान थे जॉन रस्किन, ठीक है, तो इनसे ये काफ़ी इंस्पायर्ड रहते हैं। जॉन रस्किन की बुक पढ़ के इनको आश्रम जो इन्होंने जैसे खोले थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी आश्रम खोला था, फिनिक्स में, जॉनिसबर्ग में, इंडिया में आके जैसे साबरमती आश्रम खोला, तो जॉन रस्किन की बुक से इंस्पायर्ड हुए थे उसके लिए। बच्चों की बात करूँ तो लड़के, इनके चार लड़के थे, तीन लड़कों को उन्होंने घर पे ही पढ़ाया क्योंकि इनको उस टाइम पे लगता था कि जो एजुकेशन है वहाँ साउथ अफ्रीका में वो इतनी अच्छी नहीं है, उससे बेटर एजुकेशन तो मैं बच्चों की घर पे दे सकता हूँ। और बच्चों की वो कहते हैं जो रियल कैरेक्टर है वो पेरेंट्स के उस प्रेजेंस में ही डेवलप होता है। तो तीन लड़के इनके, इनको ये सेल्फ टीचिंग करते हैं, सेल्फ टॉट करते हैं, और जो एक लड़का होता है सबसे बड़ा वाला, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया के खुद से फिर वो फॉर्मल एजुकेशन लेता है। तो एक जनरल मैंने आपको यहाँ पे एक इनका एक आइडिया दिया है वीडियो में, मुझे क्या सीखने को मिला, बहुत कुछ है, सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं दो तीन चीज़ें इनकी पर्सनैलिटी से सीखी हैं। पहली चीज़ ये थे, एक तो ये ब्रूटली ऑनेस्ट थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, मतलब इतनी ऑनेस्टी मैंने कभी किसी ऑथर में देखी नहीं है, इतने ज़्यादा इन्होंने ऑनेस्टी के साथ इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और जो इनकी वीकनेस है उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है बुक में। फिर पहली चीज़ हम ऑनेस्टी सीख सकते हैं, सेकंड इन सम विल पावर सीख सकते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्ट्रांग विल पावर थी, मतलब डेथ बेड पे भी आके ये
घबराते नहीं थे, तो इतनी ज़्यादा इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थे, भगवान में बहुत बिलीव करते थे। और इनका एक पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बोला कि हर इंसान को अपनी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और हर इंसान को अपने रिलीजन का एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं गाइज, अगर मैं बोलूँगा इस बुक को पढ़िएगा, अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं और आप बुक रीडिंग की आपकी हैबिट है तो ज़रूर पढ़िएगा टाइम निकाल के। अगर आपके पास टाइम नहीं है या बुक रीडिंग में आपकी हैबिट नहीं है, तो आई होप कि एक जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।